नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आवारा मवेशी राहगीरों के लिए खतरा, सड़कों पर आवारा मवेशी का कब्जा, राहगीर परेशान। नगर व ग्राम की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों व राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। यह समस्या किरनापुर के मुख्य सड़कों पर दिखाई दे रही है। बरसात शुरू होने के बाद सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया है। सबसे अधिक मवेशी ग्राम पंचायत क्षेत्र की सड़कों पर, किरनापुर बस स्टैंड से लेकर अंतर शहरों को जोड़ने वाली सड़कों पर बैठे रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के स्वच्छंद विचरण से आवागमन बाधित होने के साथ राहगीरों को आने जाने में जानवरों का भय बना रहता है। सुबह से लेकर रात तक आवारा पशु सड़कों पर डटे रहते हैं। इन्हें सड़क से भगाने की कोशिश में ही दुर्घटनाएं घट जाती है। सबसे ज्यादा परेशानी साप्ताहिक बाजार के दिन होती है, जब आवारा पशु बाजार में घुसकर अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं और इन्हें भगाने की कोशिश में कई लोग घायल हो जाते हैं। सड़कों पर मवेशी, पशु मालिक है जिम्मेदार। शहर की सड़कों पर आवारा जानवरों का कब्जा होने के पीछे बहुत हद तक पशु मालिक भी जिम्मेदार है। मवेशियों से हित साधने के बाद इन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए इस तरह छोड़ दिया जाता है जैसे मवेशियों का उनसे कोई नाता ही न हो। दुर्घटना में मवेशियों की मौत होने के बाद वे मुआवजा के लिए जानवरों पर दावा करते हैं। मवेशियों की लड़ाई में बंद हो जाती है आवाजाही। नगर की सड़कों पर आए दिन मवेशियों को लड़ते देखा जा सकता है, जिसके कारण रोड पर आवागमन भी पूरी तरह रुक जाता है। ऐसा इसलिए कि सड़क पर लड़ने वाले ये मवेशी लोगों को घायल न कर दे, इसलिए सड़क पर मवेशियों को लड़ते देख कर लोग पहले एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जब उनके लड़ाई बंद हो जाती है तब कहीं जाकर लोग सड़क से निकल पाते हैं। ऐसा नगर के अधिकतर मार्गों पर देखा जा रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार नगर में मवेशियों की समस्या से अनजान बने हुए हैं, जबकि जिम्मेदारों को इस तरह के इंतजाम करने चाहिए जिससे आवारा मवेशी सड़क पर जमा न हो। इतना ही नहीं, सब्जी मंडी में तो आवारा मवेशियों का के कारण आम लोगों को सब्जी खरीदने तक की मुश्किल होती है। MPCG 24 न्यूज़ एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट।